I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. बचपन तो सभी को नसीब होता है, जवानी किसी किसी को आती है, पर बुढ़ापा सिर्फ किस्मत वालों को ही नसीब होता है। ऐसी ही किस्मत वाली थी हमारी 70 साल की अम्मा। ये है अम्मा। ये कहानी है कुंदनपुर गांव की अम्मा और उनके 5 बेटों की। ये है अम्मा का सबसे बड़ा बेटा परमू, सीधा साधा, जिसने जो कह दिया सो कर लिया, वरना अपने काम से मतलब, न इसकी एक न उसकी दो। कहने को मामूली से बाबू है, पर अपनी मेहनत से इतना पैसा कमा लिया है कि खुद आराम की जिंदगी जी सके और अपने बेटों को भी आराम की जिंदगी दे सके। और ये है जीतू। आज सब तक में बकबक करते रहते हैं। इन्होंने भी परमू की तरह से ठीक ठाक पैसा कमा लिया है, पर परमू से थोड़ा सा कम, इसीलिए पैसा पैसा करते रहते हैं। और ये है रुक्मी। कमाने के चक्कर में इन्होंने आज तक सिर्फ पैसा गवाया ही गवाया है, और आज भी पैसे के नाम पर पैसे पैसे को तरसते हैं। और ये है हरी। हरी घर जवाई तो नहीं है, पर हाँ घर जवाई जैसा कुछ है। रहता अपने घर में है, पर एक एक पाई ससुराल से स्पॉन्सर्ड होती है। मुन्ना ने भी ठीक ठाक पैसे कमा लिए हैं, मतलब कमा लेता है। और ये है कलावती, अम्मा की इकलौती बेटी। बेचारी विधवा है और अम्मा के ही रहमो करम पर जिंदा है। और ये है लक्ष्मण, परमू का बेटा, राजू नासिर का सगा दोस्त। अम्मा ने पारिवारिक विवादों को निपटाने के लिए PGM यानी पारिवारिक जनरल मीटिंग की भी एक खास व्यवस्था कर रखी थी। 21वीं सदी की सोच रखने वाली अम्मा ने नियम बनाया था कि किसी एक पर बोझ न पड़े तो वो अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में सभी के यहाँ 3-3 महीने रहेंगी, और जहाँ रहेंगी बदले में उसे अपनी पेंशन में से 3,000 रुपये देंगी। पर हरी इतना चिंदी चोर है कि रुक्मी के बाद जैसे ही उसका नंबर आने वाला होता है वो अपने पूरे परिवार के साथ अपनी ससुराल भाग जाता है। ओए हाय, हनीमून नहीं तेरे पिताजी के घर, अब तेरे पिताजी ने इतना बड़ा घर क्या देखने के लिए बनाया? चलो चलो चलो। और मजबूर अम्मा को रुक्मी के यहाँ 6 महीने काटने पड़ते हैं। वैसे अम्मा को रुक्मी के यहाँ रुकना अच्छा भी लगता है। हरी की कृपा से अम्मा का रुक्मी के यहाँ उसी दौर का ये 4th महीना है। गरीब रुक्मी उनकी सेवा कर रहा है और मजबूर अम्मा उसकी मेहमान है। तो आइए सबसे पहले चलते हैं रुक्मी के घर और सुनते हैं अम्मा की बोली। रुक्मी, और रुक्मी दाईदार का भूत नहीं बोलता है, का हो रहो है? सियावर रामचंद्र की। अम्मा अम्मा, सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमः शिवाय। ये स्कूटर अपने मालिक का नाम आसमान की ऊंचाइयों तक लेकर के जाए, घर में अपार धन संपदा लेकर के आए। कोई भी बच्चा ऐसे गलती से चलाए तो गिरने न पाए और गिरे तो चोट न लगने पाए। ओम नमः शिवाय। चाबी दो। नाम? महेश। महेश? परमिला। हाँ परमिला, ऐसा करो तुम इस स्कूटर के 49 चक्कर लगाओ। हाँ 49, वेदों में लिखा है मशीनरी के 7 चक्कर 7 बार लगाने से 7 जन्म तक मशीनरी अपने मालिक का पीछा नहीं छोड़ती। ओम नमः शिवाय। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वजा, मंगलम पुंडलिकाक्षाय, मंगलम तनोहरि। ओम मंगलम मंगलम। अबे रुक्मी चाचा के घर पर भीड़, लगता है स्कूटर की पूजा चल रही है। स्कूटर? घर में खाने को नहीं है और पूजा स्कूटर की, चल देखते हैं। रुक्मी, का कर रहा है रे दाहिजार का पूत? नया स्कूटर चाचा, एक राइड दो ना। है
राइट। स्कूटर को घुमाना चाहते हैं। हाँ तुम तो जाओ, तुम तो दोस्त हो ना लक्ष्मण के, जाओ, मना थोड़ी करेंगे। अब ये स्कूटर अपने मालिक से बिछड़े तो सूख कर छुआरा हो जाए। छुआरा? ओम नमः शिवाय। अरे अरे वो क्या होता है जिसको पहनने से कुछ नहीं होता? हेलमेट। हाँ, हाँ वो लगा ले तो पुलिस वाले नहीं तंग करेंगे, ठीक है? कहाँ है? अंदर। अच्छा चल चल चल, सुन सुन सुन, जल्दी आना। चाचा घर से गए और फुर से आए। अरे रुक्मी ये क्या कर रहे हो? अरे लक्ष्मण के दोस्त है, ले जाएंगे घुमाएंगे। अरे स्कूटर की पूजा के बाद तुम चलाते? अरे हमारे पास आएगा तो चलाते रहेंगे। आशीर्वाद चाचा। आयुष्मान जा जा जल्दी आ जाना। चाचा साइड प्लीज। कल्याण काओ गुर गुर हो रहा है माटी मिला। अरे रुक्मी जल्दी देख कहाँ आग लगी है, कहाँ बड़ी देर से गुरुर गुरुर कर रहा है माटी मिला। अरे अम्मा घबराओ मत, स्कूटर की आवाज है। अच्छा रुक्मी भैया हमको आज्ञा दीजिए, अब हम चलते हैं। कहाँ जा रहे हो पंडित जी? अभी जब आएगा ना स्कूटर हम आपको छोड़ देंगे ना, बस और दो मिनट बैठे। ये अरे पेड़ कब लगाए? कौन सा? ये वाला गद्दा लगाए थे। घर का रास्ता मालूम है कि नहीं उनको? रुक्मी हमको लगता है अब हमको चलना चाहिए। काहे कि तुम्हारा स्कूटर ना कल ही आएगा। अरे दक्षिणा तो दे दो। तुम भी मानोगे नहीं। बस 100 रुपया रख लो ना, अब तुम ही को सब दे देंगे तो पेट्रोल क्या भराएंगे हम। अच्छा चलो चलो ठीक है। अरे सुनो अंदर आ भी जाओ, वो दोनों अपने पूरे खानदान को घुमा कर ही आने वाले हैं। अबे लगता है स्कूटर की मैया हो गई। लग तो नहीं रहा। अरे सब ठीक है, वो तिलक भी सही सलामत है। ओए राजू कमाल हो गया यार, हम तीनों को एक खर्च भी नहीं। हाँ यार ये देख देख सब ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। अबे नासिर ये हंस क्यों रहे? हाय बे हंस का रहे हो? अबे स्कूटर देख स्कूटर। हाँ आओ अबे तो बाटली से अद्धा हो गया। अबे राजू अबे नासिर ये लोग तो सही बोल रहे हैं। हाँ अबे ये तो छोटा हो गया। ले 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 अबे ये तो भोंजाई हो गया यार। खेच 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 खेच। एक मिनट जोर, एक मिनट रुक जा, रुक जा, हाँ रुक जा बे, अब खेच। अबे यार अब क्या करेगा? अबे यार पंडित सही कहता था, अपने मालिक से दूर जाते ही ना सूख के छुआरा हो गया कसम से। सच में ये तो छुआरा ही हो गया यार। अबे क्या अब क्या करें? एक काम करते हैं यार, इसको लेके चलते हैं गांव के बाहर। अच्छा और रात में चुपके से जाके बरामदे में रख देंगे, रुक्मी चाचा को पता भी नहीं चलेगा। है चल 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 चल। बेटे छुआरी सा मुंह लटकाए बैठे हो, प्रमिला मर गई का? है? मर गई तेरे जोरू? ना आग के पास बैठी है। दरवाजे पे बैठे रही और रखवाली करते, वो अंदर सुपारी काटती रहेगी। हाँ लो आ गई मंगती।
ये अरबी दीदी को स्कूटर का पता चल जाएगा तो पूरे खानदान में गा देगी। क्या बोल रहे पापा? क्या बोल रहे? कछु नहीं। कला, मैंने सब के लिए कुछ ना कुछ किया पर तोरे लिए कुछ ना कर पाई। अब तोरे दद्दा रहे नहीं, मैं भी लाचार हो गई। अब एक पेंशन से किस किस के लिए का का करती। रुक्मी का हाल तय जाना था। अरे अगर मैं न रहूं तो महीने में 10 दिन उसका चूल्हा न जले। मैं भी का करूं अम्मा, तुम्हारे दामाद तो बीच में साथ छोड़ के चले गए, ऊपर से मौरी को खर्चा, मैं भी लाचार हूं। परमू भाई साहब से कितना कहूं, और चीतू सुनता ही नहीं, कबू पूछत नहीं कि मोरो का हाल। मैं किते जाऊं, कौन से मांगू। ले 10 भर ले। अरे मैं भी कब तक हूं, ना हो तो एक दुकान कर ले। मोरा कोई भरोसा नहीं, मैं मर गई तब तय का करे। दुकान के लिए भी तो रुपया चाहिए अम्मा। चल 25 भर ले, लेकिन ये बेर बेर अब हाथ फैलाओ बंद कर। 25 में तो दुकान का फर्नीचर बिना है अम्मा। 25, चल 50 भर ले। 1 लाख से कम में कहूँ दुकान होते का। 75 लेना हो तो ले ले, मेरे पास 1 लाख नहीं है। ठीक है। और सुन, आज के बाद से फिर मांग में ना आई हो। हाँ, नहीं आए। अब चलें। रुक्मी चाचा को अंधेरे में कछु पता नहीं चलेगा कि हमने उनके स्कूटर को स्कूटर से स्कूटिया बना दिया है। पता नहीं चलोगे ना? हमारे ख्याल से तो नहीं। तो फिर मार के? सब काम हम ही करते हैं, तुम ना करियो कछु। हाँ। महेश पहले खाना खा लो। चल 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 आगे चल। आजा 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 ना। धीरे धीरे धीरे। चाचा। महेश। स्कूटर। स्कूटर आ गया। अरे तुम कहाँ जा रहे हो, बैठ जाओ और खाना खा लो। स्कूटर आ गया। स्कूटर उनसे कह दो वो रख देंगे। स्कूटर स्कूटर लगा दिया है और ये रहे हेलमेट। रख दे भाई। अबे क्या कर रहा है भाग। चाचा क्या मस्त चलता है, है ना? अरे बड़ा बोल रहे, सही चलता है स्कूटर। सही तो चलेगा ही, पसंद किसकी है। हम तो कह रहे हैं भाई चलो कहीं घूम के आते हैं हम, तुम ये खाना छोड़कर कोई जाता है क्या? चुपचाप खाना खा लो। तो तुम रुक जाओ यहाँ, हम और ये होके आते हैं। सुबह चले जाना महेश को स्कूल छोड़ने। स्कूटर से देख कर रहा था, सूरज क्यों नहीं निकला स्कूटर से। एक बार स्कूटर चला के आए, एक बार। अभी अंधेरा होगा, बाद में जाना, बहुत अंधेरा है बाहर। अरे कंपनी वालों ने ना हेडलाइट डाली है उसमें। तो क्या करूं? बताओ तुम यहाँ बैठी हुई हो,
हम तुमको लेके लंदन, फ्रांस, कनाडा सब घूमाए। सारी दुनिया की ट्रैफिक पुलिस कह रही थी कि तुमको पकड़ना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन भी है। हम कहे नहीं, दिल दे देती है तो तुरंत काबू में आ जाती है। सच कह रहे हैं, परमिला से ज्यादा तुमसे प्यार होने लग गया हमको। कल जब पंडित जी पूजा करा रहे थे तो लग रहा था हमारा विवाह हो रहा है। हैं? वो दोनों नौटंकी लड़के जब तुमको लेके गए, लगा अपनी ही बीवी को कोई और लेके जा रहा है। जानती हो? फॉर एक्सक्लूसिव क्लासिक मूवीज डाउनलोड शिमारू मी ऐप नाउ।